AEW के शो ब्लड एंड गट्स के मेन इवेंट में फैंस के हुए रोंगटे खड़े। AEW डायनामाइट का इस वीक ब्लड एंड गट्स नाम का स्पेशल एपिसोड फाइनली एंड हो चुका है। डायनामाइट के इस शो के मेन इवेंट में ब्लड एंड गट्स मैच देखने को मिला, जिसमें काफी हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिली। अब क्या क्या देखा इस शो में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब यार, इस वीक में रॉकी वीडियो नहीं दे पाया जिसमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला था। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट करे कि भाई रॉकी वीडियो कहाँ है, तू सीरियस नहीं है, रॉकी वीडियो नहीं देता है, तुझे रॉकी वीडियो से क्या प्रॉब्लम है, तू रॉकी वीडियो क्यों नहीं देता है। तो हाँ, पिछले कुछ महीने या मैं बात करूँ मई की, तो मई में भी मैं कुछ रॉकी वीडियोज़ नहीं दे पाया था क्योंकि मैं कुछ ऐसे पर्सनल कामों में बिजी था। वहीं अगर मैं बात करूँ हाल ही के रॉकी एपिसोड की, तो मंडे नाइट को मेरी तबीयत ख़राब हुई। ट्यूसडे को मैंने कोशिश करी कि मॉर्निंग में वीडियो दूं, लेकिन मैं नहीं दे पाया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर मैंने सोचा नेक्स्ट डे दूं, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब शो पुराना हो चुका है, वैसे ही चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अगर मैं दूंगा वीडियो तो वो भी नहीं चलेगी। तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है देख के कि वीडियो नहीं चलती हैं। अब यार ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर वीडियो नहीं देना चाहता हूं, वो भी तब जब जॉन सीना जैसे सुपरस्टार की रॉ में वापसी हो रही हो तो हर कोई चाहेगा कि वो वीडियो डाले, लेकिन मेरे साथ ये तबीयत ख़राब होने वाली प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाया। कोशिश रहती है मेरी कि मैं वीडियो दूं, लेकिन क्या करूं यार, बॉडी है, शरीर है, जब साथ नहीं देगा तो कहां से वीडियो डाल पाऊंगा। अब बात कर लेते हैं AEW के शो के बारे में। तो इस शो में हमें टोटल 5 मैचेस देखने को मिले, जिसमें से अगर हम बात करें ओवरऑल 4 मैचेस की, तो मैचेस वो भी अच्छे देखने को मिले, लेकिन मेन इवेंट में जो देखने को मिला उसने फैंस के रोंगटे बुरी तरीके से खड़े कर दिए। अब AEW के इस स्पेशल एपिसोड में हमें मेन इवेंट में JAS यानी कि जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी वर्सेज ब्लैक पूल कॉम्बैट क्लब के बीच ब्लड एंड गट्स मैच देखने को मिला। अब यहाँ पर एक बड़ी सी रिंग थी जिसको पूरे स्टील कैच से कवर किया हुआ था। वहीं बात करूं मैच की, तो सैमी गोवेरा और क्लाउडियो, जिसको आप WWE में सिजारो के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए मैच की शुरुआत करी। इसके बाद मैच धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक एक करके दोनों टीम के मेंबर अल्टरनेट स्पॉट पर एंटर होते चले गए। अब इसमें जॉन मॉक्सली भी थे, क्रिस जेरिको भी थे, किंगस्टन भी थे और हैगर भी थे। अब ये मैच बेहतरीन देखने को मिला। मुझे लगता है इस मैच में कोई कसर किसी सुपरस्टार ने नहीं छोड़ी, जिसके हाथ जो लगा उसने उससे उसमें मार लगाई। रिंग में टेबल, कैंडो स्टिक, स्टील चेयर्स और रिंग में फूटे हुए कांच की बॉटल और जो बोर्ड पिन होती है ना, वो भी इस्तेमाल करी गई। वहीं एक दूसरे को लेकर के कोई भी किसी भी तरह की मर्सी दिखाने को तैयार नहीं था, दया दिखाने को तैयार नहीं था। जिसके यहाँ जो लगा उसने उससे उसमें मार लगाई। अब इस मैच का नाम ही ब्लड एंड गट्स था, तो भाई जम के इस मैच में खून खच्चर देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करूँ जॉन मॉक्सली की, तो उन्होंने किचन के कुछ आइटम्स लेके जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी के कुछ सुपरस्टार पर बुरी तरह से उनको मारा, जिससे उनके खून खच्चर हो गए। वहीं अगर मैं बात करूँ किंगस्टन की, तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की साइड से इन्होंने लास्ट में एंट्री करी और आते ही इन्होंने कैंडो स्टिक से जो JAS फैक्शन के मेंबर्स में मार लगाई है, वो वाकई देखने लायक थी। क्रिस जेरिको भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जब आप कैच में हो तो कहां भाग लोगे। किंगस्टन ने क्रिस जेरिको को भी बुरी तरह से मारा। अब मैच पूरी तरह से मतलब ब्लड ब्लड वाला हो गया था। यहां पर इन लोगों ने रिंग में बिछी हुई मैट को भी हटाया, जिसके नीचे लकड़ी के बोर्ड आ गए, उस पर भी इन लोगों ने एक दूसरे को जम के मारा। भाई खतरनाक एक्शन इस मैच में देखने को मिला और मुझे लगता है कि काफी सारे सुपरस्टार के ब्लड आता हुआ दिखाई दिया। वहीं जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी की फीमेल मेंबर जो कि टे काउंटी हैं, उन्होंने रेफरी से की चुराई और स्टील कैज का डोर ओपन कर दिया। तभी यहां पर ब्लैक कॉम्बैट क्लब की सपोर्टर रूबी साहू ने आकर टे काउंटी पर अटैक कर दिया। ये दोनों फिर रिंग के बाहर लड़ती दिखाई दी। अब स्टील कैज का डोर ओपन हो चुका था और यहीं से इस मैच का मजा दुगना हो गया। क्रिस जेरिको इस रिंग में से निकले और वो स्टील कैज के ऊपर जाकर के चढ़ गए। उनके पीछे पीछे किंगस्टन भी स्टील कैज के ऊपर जाकर चढ़ गए। किंगस्टन और क्रिस जेरिको के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिली ऊपर। तभी सैमी गोवेरा ऊपर चढ़ते हैं और किंगस्टन पर जाके हावी हो जाते हैं। तभी किंगस्टन क्या करते हैं कि सैमी गोवेरा को लो ब्लो देते हैं और भाई इसके बाद जो इतनी ऊंचाई हाइट से सैमी गोवेरा को नीचे फेंका गया और वो नीचे रखी टेबल पर आके लैंड हुए और टेबल पूरी तरीके से टूट गई। अब मैच लगभग लगभग एंड
फेस में आ चुका था। क्लाउडियो यानी कि सिजारो भी कैच के ऊपर आ चुके थे, दूसरी टीम से मिनार्ड भी ऊपर आ चुके थे। अब क्लाउडियो और किंगस्टन ने मिनार्ड और क्रिस जेरको को सबमिशन में पकड़ा, वहीं क्लाउडियो ने मिनार्ड पे अपना सबमिशन लगाया हुआ था और मिनार्ड काफ़ी ज़्यादा खून से लथपथ थे, उन पर सबमिशन झेला नहीं गया, उन्होंने टैप आउट कर दिया और अपनी टीम को क्लाउडियो ने यहाँ पर जीत दिला दी। इस मैच में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने JAS यानी कि जेरको एप्रिसिएशन सोसाइटी को हरा दिया। मैच काफ़ी धमाकेदार देखने को मिला। वहीं बात करें अगर मेन इवेंट की तो ज़बरदस्त देखने को मिला, मतलब इस मैच में केवल और केवल सुपरस्टार की जान निकलना बाकी रह गई थी, वरना इन्होंने सारी हदें एक दूसरे को लेकर के पार कर दी। वहीं WWE में एक टाइम एटीट्यूड एरा दिखती थी, उसमें इस तरह के मैचेस देखने को मिलते थे, लेकिन मैं अगर बात करूं ब्लड एंड गट्स के मैच की तो मुझे लगता है कि इस मैच में जिस लेवल का एक्शन देखने को मिला है, जिस लेवल की मारपीट देखने को मिली है, उसने शायद WWE में देखने वाली एटीट्यूड एरा को भी बीट कर दिया है। वहीं बात करूं अगर मैं बॉचेस की तो इस मैच में भी कुछ बॉचेस देखने को मिले। मुझे याद है जब मैं मैच देख रहा था तो क्रिस जेरको ने फायर एक्सटिंग्विशर से किंगस्टन पर अटैक करा, यानी कि उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर उनके मुंह पे खोल दिया। किंगस्टन दूर थे, फायर एक्सटिंग्विशर उनके मुंह तक नहीं जा पा रही थी, लेकिन किंगस्टन भाग के पास में गए ताकि उनके ऊपर वो फायर एक्सटिंग्विशर लग सके। खैर ठीक है, लाइव मैचेस होते हैं, थोड़े बहुत बॉचेस तो चलते हैं। बट बात करूं शो की तो शो ओवरऑल अच्छा था, मजा बांध दिया शो ने और खास करके मेन इवेंट ने। अगर आपने मेन इवेंट देखा, कैसा लगा आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।